हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं डिजिटल वाला डीएनए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप ई ए स्टैम्प जब काटने चलते हैं तो आपको एक ही टेंशन सताता है कि आप आर्टिकल कौन सा सेलेक्ट करें। आर्टिकल का झंझट बहुत रहता है। बहुत सारा लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछा है कि सर आप एक सेपरेट वीडियो बना करके हमको बताइए कि आर्टिकल कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा काम के लिए कौन सा आर्टिकल सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारा चीज़ों में ना आर्टिकल समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक सेपरेट वीडियो मैं बना करके आपको दे दूं ताकि आपको आर्टिकल का झंझट से मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों आज मेरे हाथ में ये एक पेपर है जिसमें जितना भी ई स्टैम्पिंग का जितने भी आर्टिकल्स यूज होता है वो सारा है इस पेज में। कुछ नॉन रजिस्ट्रेबल आर्टिकल्स है और कुछ रजिस्ट्रेबल आर्टिकल है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेबल आर्टिकल्स के बारे में जो कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए बहुत ज़्यादा जो यूज होने वाला जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 5 एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ एन आर्टिकल में यूज होता है। क्योंकि बहुत सारा देखिए ऑलमोस्ट जितने भी स्टैम्प निकलते हैं तो लगभग एग्रीमेंट से ही रिलेटेड निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारा लेन देन जो होते रहता है उन सब में आप अगर कुछ भी लेन देन एक दूसरे से कर रहे हैं तो आपको उसमें एग्रीमेंट का आर्टिकल यूज होता है। तो आप एग्रीमेंट के लिए आर्टिकल 5 का यूज करेंगे। आप याद रखिए जहां भी एक दूसरे को लेन देन आप कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, तो वहां पे आपका आर्टिकल 5 यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बॉन्ड, बहुत सारा लोगों का, बहुत सारा ऑफिसेस, LIC लीजिएगा या कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां आपसे बॉन्ड लेती है, बॉन्ड साइन करती है, तो आप उसमें आप बॉन्ड ले सकते हैं। इसके बाद होता है कैंसिलेशन। बहुत सारा चीज़ क्या होता है कि आपने कर दिया तो उसको आपको कैंसिल करने का जरूरत रहता है। जैसे आपने रजिस्ट्री कर दिया किसी को, अब आपको लग रहा है कि आप गलत रजिस्ट्री कर दिए हैं, अब उसको कैंसिलेशन करवाना है, तो आप आर्टिकल नंबर 17 लेकर के आप कैंसिलेशन यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप आर्टिकल नंबर 23, अगर आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जहाँ पे खरीद बिक्री का काम होता है यानी कि सेल परचेज का काम हो रहा है, वहाँ आर्टिकल नंबर 23 कन्वेनियंस, याद रखिए सेल परचेज के लिए सेल डीड जब बनता है तो आर्टिकल नंबर 23 लेते हैं हम लोग कन्वेनियंस। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो और भी यूज होता है डाइवोर्स। बहुत सारा लोगों को किसी चीज़ से छुटकारा चाहिए तो वो डाइवोर्स फाइल करते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 29 आप ले सकते हैं ये आर्टिकल। इसके बाद आप किसी भी चीज़ को अगर लीज करवाना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लीज एग्रीमेंट कर सकते हैं या लीज आप लीज डीड बनवा सकते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 35 आपको सेलेक्ट करना है लीज के लिए। इसके बाद देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, आर्टिकल नंबर 39। जब आप कंपनी बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड या किसी चीज़ का कोई भी कंपनी आप रजिस्टर्ड करते हैं, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी के लिए आप आर्टिकल नंबर 39 लेना पड़ता है उसके लिए। इसके बाद आर्टिकल नंबर 40 मॉर्गेज डीड। अगर आप सरकारी एम्प्लॉई हैं और आपको मॉर्गेज करवाना है तो आप आर्टिकल नंबर 40 ले करके आप मॉर्गेज डीड के लिए आप स्टैम्प निकाल सकते हैं। अगर आप पार्टीशन किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो आप आर्टिकल नंबर 45 ले करके आप पार्टीशन कर सकते हैं, उस चीज़ को दो पार्ट में आप बांट सकते हैं उसको, है ना, आर्टिकल नंबर 45 पार्टीशन के लिए। अगर दो लोगों के बीच में कुछ पार्टनरशिप करना है या कुछ ग्रुप में आपको पार्टनरशिप करना है तो आप आर्टिकल नंबर 46 ले करके आप पार्टनरशिप का आर्टिकल सेलेक्ट करके आप ई स्टैम्प आप निकाल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पावर ऑफ अटर्नी देना चाहते हैं किसी थर्ड पर्सन को, सपोज मान लीजिए कि आपका कोई प्रॉपर्टी है या आपका कोई सामान है, उस चीज़ का आप पावर ऑफ अटर्नी देना चाहते हैं किसी को, तो आप आर्टिकल नंबर 48 सेलेक्ट कर सकते हैं पावर ऑफ अटर्नी के लिए। इसके बाद री लीज। अगर आपने किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए लीज करवाया था और वो लीज अब ख़त्म होने का है, तो आप आर्टिकल नंबर 55 यूज करते हुए आप री लीज करवा सकते हैं। तो आपको अगर री लीज के लिए आपको स्टैम्प निकालना है तो आप आर्टिकल नंबर 55 री लीज ले सकते हैं। इसके बाद आपका सरेंडर ऑफ लीज
अगर आप किसी लीज को अगर बीच में ही आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 61 यूज करके आप सरेंडर ऑफ लीज के लिए आप ये स्टाम्प निकाल सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 64 ट्रस्ट के लिए, अगर आप जब भी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या ट्रस्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप आर्टिकल नंबर 64 यूज करते हुए आप स्टैंप निकलवा सकते हैं। वो तो रहा आपका रजिस्ट्रेबल आर्टिकल्स था, अब मैं आपको बताने वाला हूँ नॉन रजिस्ट्रेबल आर्टिकल, जिसमें आपका एफिडेविट आ जाता है आर्टिकल नंबर 4। अगर किसी के साथ आप एफिडेविट कर रहे हैं या किसी को आप एफिडेविट करके देना चाहते हैं तो आप एफिडेविट सेलेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 4। इसके बाद कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट, जब भी आपका जो सेल डीड है, जो आपका जमीन का जो पेपर है वो गुम हो जाता है और अगर आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 24 को यूज करते हुए कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट करके आप अपना सर्टिफाइड कॉपी को आप निकलवा सकते हैं। इसके बाद देखिए इंडिमिनिटी बॉन्ड, किस स्कूल वगैरह कहीं कहीं कॉलेज में आपको इंडिमिनिटी बॉन्ड मांगता है या किसी ऑफिस किसी बिजनेसेस के लिए भी आप इंडिमिनिटी बॉन्ड आप निकाल सकते हैं। तो जहां आपका इंडिमिनिटी बॉन्ड का बात आ जाता है वहां आर्टिकल नंबर 34 यूज करके आप इंडिमिनिटी बॉन्ड निकाल सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बैंक में बहुत सारा स्कीम्स है तो उसके तहत आपको लोन दिया जा रहा है तो उसमें आपको मांगा जा रहा है डिक्लेरेशन, तो बैंक गारंटी आप आर्टिकल नंबर 5 यूज करते हुए आप बैंक गारंटी दे सकते हैं या तो लोन एग्रीमेंट आप लिख करके डिस्क्रिप्शन में आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप LIC वगैरह का आपका बॉन्ड जो गुम हो गया है तो आप LIC का बॉन्ड निकालने के लिए, आपका पॉलिसी निकालने के लिए, री इशू करने के लिए आप बॉन्ड आर्टिकल को आप यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारा आर्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा अगर आर्टिकल मैं कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको किसी आर्टिकल के बारे में जानकारी चाहिए या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस काम के लिए कौन सा आर्टिकल आप सिलेक्ट करें तो वीडियो के कॉमेंट में आप लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। तो दोस्तों यही आज का वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हाँ चैनल पे नया आया है तो चैनल तो सब्सक्राइब बनता है क्योंकि वीडियो आप ही के लिए लाते रहता हूँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।